तो गाइस ये वाली वीडियो भाई मजाक नहीं कर रहा, सच में बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है भाई मैंने, मजाक नहीं कर रहा। 6 बजे से लेकर अभी तक मैं बैठा हुआ था भाई गेम खेलने, और टाइम बता देता हूँ मैं आपको, रात के बज रहे हैं अभी 2:10। अगर आप टाइम देखोगे ना तो यहाँ पर आपको टाइम उल्टा दिखाई देगा, पर 2:10 बज रहे हैं रात के। एंड भाई साहब तुम्हारे भाई का रैंक अगर तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ तो मेरा रैंक हो चुका है गाइस पूरा का पूरा हीरोइक 48। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपनी आईडी में ना इतनी टाइम के बाद इतने ज्यादा स्टार किए। अब आप लोग बोलोगे कि भाई सीजन तो बहुत जल्द एंड होने वाला है, तो लाइक तुमने क्यों किया इतना रैंक पुश क्यों करा? मैंने गाइस इसलिए किया बिकॉज न्यू सीजन के लिए गाइस मेरे को पहले ही बूस्ट मिल जाएगा, ताकि अगले सीजन में गाइस हम बहुत ही खतरनाक तरह से खेल पाए। एंड गाइस मजाक नहीं कर रहा, अभी जब हम खेल रहे थे ना गाइस आगे भाई हैकर आया भाई, 2 बार ऐसा टाइम में ऐसा हुआ हमारे साथ कि 2 बार हमारे लिए हैकर आया। और वो हैकर पता कैसा था, वो एक वॉल बैंगिंग हैकर था, मतलब दीवार के आर पार मारता था। तो देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ वाले इस वाले मैच में वो हैकर आया, जिस मैच में हम उसको हरा सकते थे बट हरा नहीं पाए, बहुत क्लोज थे हम हराने के। जो आप लोग ये देख रहे हो ना ये वाला बंदा जो टॉप नंबर पे 17 किल करके साथ, ये वाला बंदा हैकर था। पहले मैच में तो हम इसको हरा नहीं पाए बट हमने उसे सेकंड मैच में बहुत बुरी तरह से हराया भाई। वो बंदा भी सोच रहा होगा, देखो उसके सिर्फ 5 किल कर पाए और हमने भाई उनको उसको ना भाई रुला दिया था, इतना गंदा मूड दिखाया ना हमने उसको। एंड भाई अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वही बंदा वापस आए, बिकॉज आप लोगों को बताया सिर्फ हमको 2 स्टार चाहिए और 2 स्टार के बाद हम पहुंच जाएंगे हीरोइक पे। तो चलो गाइस अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस बहुत टाइम के बाद भाई यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है, और आगे ना भाई थोड़े ठीक ठाक बंदे हैं, मतलब ये ज्यादा प्रो प्लेयर नहीं है बट ज्यादा नूब भी नहीं है। बस मेरे को दिक्कत पता किस चीज को थी गाइस, कि हैकर ना जाए, बिकॉज देखो इसकी टीम में भी ना गाइस एक बंदा गोल्ड का है, और भाई कब कब कहां से एकदम से पटाखा पड़ना शुरू हो जाए ना एकदम से, मतलब पता क्या पता भी नहीं चलता कि कब कब कौन है, कौन हैकर है पहले तो स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलता भाई। एक साला आ जा सामने, सामने 1v1 में खुले में खड़ा हूं, तू भी खुले में खड़ा होगा भाई। वो भी आ नहीं रहा, मैं भी आऊंगा नहीं बेटा खुले में, ऐसे तो आऊंगा नहीं। ओके वो भी आ रहा है खुले में, मैं भी आ गया खुले में। अरे रे ये कहां से आ गया भाई, ओ तुक्के में मैंने हेड मार दिया उसको। ओके जो इसको भी मैं हेड मार लेता हूं, आ लगा नहीं उसको भाई। ये सीजन 2 वाला कहां से आया भाई साहब, भाई बहुत खतरनाक तरह से आया भाई एकदम से। ओके रुक जाओ रुक जाओ, वो बंदा वहां पर है उसको मेरे को मारना है। अरे नहीं मेरे को हेड मार दिया, मेरे को बचा दो। ओए हमारे 2 बंदे बचे हैं, 1v2 का सिचुएशन है। ओके इजी, ओए नहीं 1v1 का सिचुएशन है भाई। हेलो हेलो लो 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 सर जी मुझे रिवाइव देने आ जाओ जी। यार मेरे को आया ही नहीं कोई भी रिवाइव देने, कोई बात नहीं मैं माइक बाय द वे माइक ऑन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं माइक ऑन करूंगा ना तो इनकी बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज आएगी, और मैं नहीं चाहता कि आवाज आए जिसकी वजह से पूरा ऊपर नीचे हो जाए। प्लीज 1v1 का सिचुएशन है गाइस, लेट्स सी गाइस आप लोग को हिसाब से गाइस देखते हैं अगले सीजन में तुम्हारा भाई कौन सी रैंक तक पहुंचेगा। मेरे को कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे भाई को अगले सीजन कौन सी रैंक में जाना चाहिए, एंड जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक हुए। अगर कोई बंदे ने ब्रोंज लिखा और उसने बोला कि ब्रोंज और उसके लाइक पे उसके कमेंट पे 1000 लाइक है तो वो, और उसने बोला ग्रैंड मास्टर तो ग्रैंड मास्टर, हीरोइक तो हीरोइक, मतलब जो भी रैंक पे जो भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक हो गए उस बंदे को मैं दूंगा, मतलब उस बंदे की बात मानी जाएगी। वो बंदा ग्रैंड मास्टर बोलेगा, ग्रैंड मास्टर हीरोइक बोलेगा, हीरोइक जो भी बोलेगा, ठीक है। देखते हैं कि आप लोगों का कमेंट टॉप पे आ पाता है कि नहीं आ पाता। सो लेट्स गो गाइस, अब हमको जो करना कुछ नहीं है, हमको बस 2-3 राउंड और जीतने और लगातार बस जीतते जाना है। बात ये कि 3 राउंड जीतने साथ हमको लगातार जीतते जाना है, ताकि अगला मैच भी हम इजीली जीत पाए। और बस भाई होप करते हैं कि हैकर आए और ना भी आए, मतलब अगर वो वाला हैकर आए जिसको अभी हमने हराया तो ठीक है भाई, क्योंकि वो बंदा नूब था 1 नंबर का, और नूबड़ों के पास जब हैक होता है ना तो कुछ नहीं कर पाते भाई। एक डाउन, बॉडी बॉडी, मेरे को होता है मैंने बॉडी बॉडी मारा, ये मैंने जानबूझ के मारा, ठीक है। वरना ये बंदे यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, वो ओ भाई हेलो हेलो, और ये क्या था भाई मेरे हेड क्यों लगे? ओके हेड लगा एक, पर बहुत बॉडी को हेड मारा यार मैंने, ये क्या था भाई, मुझे हेड ही नहीं लगे। देखा तुम लोगों ने मेरे 3 बार ट्राई किया हेड मारने का और तीनों में से 1 बार भी मैं हेड नहीं मार पाया। और तुम मेरी स्किल्स देखो भाई कूदने की, देखो मैं कैसे कूद कूद के अरे परे जा रहा हूँ। तुम लोग वैसे ऐसे कर सकते हो, वैसे फोन पे थोड़ा मुश्किल होता है बट हाँ कर सकते हैं भाई इस तरह। लेट्स गो गाइस, देखो बंदर की तरह अरे परे कूदना बहुत ईजी है इसमें, इसी में खेलने में जब वो खेलते हैं ना तो बहुत ईजी होता है। एंड हाँ यार मेरे को ना सुनने को मिला है कि फ्री फायर अब वापस नहीं आने वाली है। मेरे को भाई ये कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि फ्री फायर का आना ऑलमोस्ट अब इम्पॉसिबल है, फ्री फायर अब वापस नहीं आने वाली। अगर वापस आएगी भी फ्री फायर तो शायद से फ्री फायर मैक्स ही रहेगी, या फिर फ्री फायर जो फ्री फायर है ना मेरे हिसाब से फ्री फायर को एक फ्री फायर लाइट बनाई जाएगी, जो कि जो अब की जो फ्री फायर जो पुरानी वाली फ्री फायर थी जो बैन हो चुकी है, बिकॉज आप लोगों को पता है अभी भी फ्री फायर मैक्स अभी भी जिंदा है। तो वो क्या करेंगे कि फ्री फायर मैक्स से एक छोटा वर्जन जो फ्री फायर था उसका नाम चेंज करेंगे और कुछ और रख के वापस लॉन्च करेंगे, या फिर मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द फ्री फायर मैक्स भी बैन हो सकती है। कुछ नहीं पता भाई,
और अगर ऐसा कुछ हो गया ना भाई, तो फिर मेरे को लगता है कि फ्री फायर का पूरा जितना भी क्रेज था सारा का सारा चले जाएगा और बिल्कुल भी फ्री फायर लाइक बचेगी ही नहीं, लाइक लिटरली गायब हो जाएगी फ्री फायर। बट देखो गाइज, माना फ्री फायर एक बहुत अच्छी गेम थी एक टाइम तक, बट ओके, पर भाई हर अच्छी चीज़ को एक टाइम के बाद जाना ही पड़ता है। एंड किसको पता कोई मस्त और नई गेम आ जाए जिसमें हमको और ज़्यादा मज़ा आया, जैसे कि बहुत ही जल्द वैलोरेंट मोबाइल भी आने वाली है। अब जिन लोगों को नहीं पता ना वैलोरेंट कौन सी गेम है, वैलोरेंट एक पीसी गेम है, और जो वैलोरेंट मोबाइल आने वाली है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, बट भाई जब वो पता है वो किस टाइप की, वो एक क्लैश कॉड की 5v5 वाली गेम है, जिस क्लैश कॉड टाइप की है, मतलब वो ठीक है मैं समझा रहा हूँ, एक तरह से क्लैश कॉड नहीं है वो, बट हाँ क्लैश कॉड टाइप में है वो, और आप लोग को वो जब खेलोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। बट अभी के लिए तो वो फोन पे नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो शायद आ जाएगी, इस साल के एंड में आ सकती है, बट वो छोड़ो। अभी मेरे को इस फ्री फायर के अंदर ध्यान रहना है यार, ऐसा ना हो, देखो फ्री फायर बैन होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर वापस फ्री फायर अनबैन होगी ना ओ भाई साहब, तो भाई इतना मज़ा आएगा ना अगर फ्री फायर अनबैन हो गई वापस, सारे लाइक जो पहले व्यूज आते थे जितने उतने वापस आ जाएंगे भाई, इतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई अगर ऐसा हुआ है। ठीक है साला मेरा किल ही ले लिया साले ने भाई, बिल्कुल मस्त मज़ा वाला सीन हो जाएगा। बट उसके लिए फ्री फायर को वापस आना है, और किसको पता फ्री फायर आए और किसको पता फ्री फायर कभी भी ना आए, और भाई मेरे को ना खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे टीममेट्स ही खेल लेंगे भाई, मैं ना पता तब तक बंदरों वाले काम ही कर लेता हूँ, तुम मारो भाई, बिकॉज जब जब कोई प्रो प्लेयर आए, प्रो टीम आएगी ना भाई आगे, तो तुम्हारा भाई तभी खेलेगा भाई। अभी इन जैसे नुबड़ों के सामने अपना मैं स्किल थोड़ी ना दिखाऊंगा इनको, यहाँ ऊपर चढ़ूंगा भाई मैं तो मस्त आराम से, और ये लो भाई अब मैं तो चढ़ गया भाई ऊपर मस्त, और ये बंदा कहीं छत छुत पे तो नहीं बैठा, अगर वहाँ बैठा है तो भाई आजा बाहर आजा यार। ओके मार दिया क्या, ओके लेट्स गो गाइस, यहाँ पर हमने भाई फर्स्ट मैच जीत लिया है जो हमें कर रहा था, एंड अब बढ़ते हैं मेन सेकेंड मैच की तरफ, बिकॉज गाइस अब इस मैच के बाद होगा हमारा फाइनल, वो टाइप का क्या बोलते हैं, इसके मैच के बाद ही हमारा रैंक अप होएगा, और भाई नेक्स्ट सीजन के लिए ना भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल तैयार है, बस ऐसा ना चला नेक्स्ट सीजन तक भाई गेम ही बैन हो जाए, सोचो भाई अगर ऐसा हो कि नेक्स्ट सीजन में गेम ही बैन हो जाए, लिटरली कितना गलत सीन हो जाएगा भाई, ओ भाई सब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखते हैं गाइस कब तक गेम रहता है इंडिया में, एंड जब से ही इंडिया में ये बैन हो जाएगा हम लोग को सर्वर्स तक चेंज करने पड़ेगा। ओके तो गाइज भाई मैंने ना बीच में रुक गया था, बिकॉज ना भाई मैच स्टार्ट होने के लिए मैं इंतजार करता और 4-5-7-8 मिनट लग जाते भाई मैच स्टार्ट होने में रात के वक्त, तो बट यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है भाई, जिस चीज़ का मेरे को बस इंतजार था, और अच्छी बात है भाई मैच स्टार्ट हो चुका है भाई, मैं तो बस ये चाहता था कि मैच स्टार्ट हो जाए, बिकॉज हमारे को भाई किसी भी हालत में भाई जीतना है। मैं ना गाइज माइक ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज बात करते हुए ना मैं खेल नहीं पाता अच्छे से, और भाई आगे ओके अच्छी बात है, भगवान ऊपर वाला तेरा भला करे, मतलब ऊपर वाला मेरा भला करे भाई, लेट्स गो अब आने वाला है भाई मजा, बिकॉज कदा चाहे आगे देखो ठीक ठाक प्लेयर आया, बट ये प्लेयर्स गाइज मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिकने वाले, लाइक लिटरली इन जैसे प्लेयर्स को तो मैं भाई खाता हूँ, ऐसे खाता देखो पेट भर के ऐसे फेंक दिया, खा के ऐसे ऐसे प्लेयर्स को तो गाइज मैं खा के फेंक देता हूँ, समझ ना, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता मैं इन प्लेयर्स को, बट नहीं यार तुम नहीं टिक पाओगे यार, मेरे जैसे ग्रेट गॉड सनी के सामने तुमने टिका, मैं मजाक कर रहा हूँ ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई मतलब सीरियस मत ले रहा यार, बंदों को लगता है मेरे को ईगो है अपने गेम प्ले के ऊपर, नहीं भाई देखो कोई नहीं, मैं मजाक करता हूँ ठीक है, मैं मजाक करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक न्यू प्लेयर हूँ, बस इंडिया का टॉप वर्ल्ड का एक टॉप प्लेयर हूँ, मैं अच्छा कोई खेलता नहीं है, मैं फोन पे भी अच्छा खेलता हूँ, पीसी पे भी अच्छा खेलता हूँ, प्ले स्टेशन के कंट्रोलर के साथ भी अच्छा खेलता हूँ, और एक स्टेयरिंग व्हील के साथ भी अच्छा खेलता हूँ, तो शायद से मैं टॉप प्लेयर हूँ वर्ल्ड का, नहीं नहीं मैं जाके रहा, लेट्स गो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं बोल क्या रहा था, रुक जाओ भाई आगे वाले बंदे भी थे, पर वो 25 का डैमेज तक दे नहीं पाया भाई, वो मतलब सिर्फ 25 का डैमेज दिया एक बंदे ने, वो पता नहीं किसको, मेरे को तो नहीं दिया ना कहीं, साला मेरे को दिया, सबसे गलत बात है अगर मेरे को दिया है, अरे अरे लग जा हाँ मेरा किल, साला मैंने बहुत डैमेज दिया था उसको, ये देखो यहाँ नीचे भी एक बंदा है, ये हेड दिया इसको, और मेरा किल नहीं यार, मैंने उसको हेड दिया था यार, क्या यार ये गलत बात है यार, मैंने हेड दिया था, कहते आप लोगों ने भी देखा हेड मेरा किल किसी और का, ये भी ठीक है, मतलब मेरा किल मेरा पेड़ा किसी और का यार, ये गलत बात है, रुक जाओ कोई बात नहीं, ये ले लेते ग्लूबल 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 लेट्स गो, ऊपर से ऊपर चढ़ा दे मेरे को, कोई ऊपर चढ़ाना है ठीक है, ऊपर चढ़ाना है हमारे को, यू वहाँ पे चढ़ा, तू वहाँ पे चढ़ा मेरे को, अभी से चढ़ा दे मेरे को, ठीक है चल 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 लेट्स गो गाइस, ये चढ़ाएगा, इसने सेटअप कर दिया इसका मतलब ये चढ़ाएगा ऊपर मेरे को, लेट्स गो, अब देखो मैं तुम्हारे को ना मैं ना मेरी वीडियो देख के ना तुम लोग बहुत तगड़े टेक्निक सीख सकते हो, अब देखो ये वाली वैसे मिंजा टेक्निक बहुत लोगों को पता होगी, बट मैं बता, ओ भाई ये बंदा यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई इतनी तेज, ये बस स्पीडिंग करेक्टर है क्या, रुक जाओ देखते एक बार, नहीं यार स्पीडिंग करेक्टर तो नहीं है वो, स्पीडिंग करेक्टर देखा क्या गाइज आप लोगों ने, जिससे भाई स्पीड एकदम से बढ़ जाती है भाई साहब,
लिटरली भाई वो चीज ना बड़ी बेकार लगती है मेरे को, बिकॉज ना बंदे इतनी स्पीड में आ जाते हैं ना मुंह पे। देखो लो इसको भी ले लिया भाई, ये बंदे ना मजाक नहीं कर रहा, मैं मम्मी कसम मेरे को लग रहा है ये हमारे को गालियां दे रहे, गंदी गंदी गालियां दे रहे ऐसे बोल रहे अभी भाई अपने टीममेट्स को। गाइस इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलता ना गाइस, ये प्लेयर अच्छे हैं इनकी लीग के अंदर, बट हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे लेजेंडरी प्रो खतरनाक प्लेयर के सामने ना 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 भेजा, तुम लोग नहीं टिक सकते, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है गाइस ये इन लोगों की बेइज्जती हुई एक तरह से, बट नहीं टिक सकते तुम हमारे सामने, हम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लाइक लिटरली मैं ऐसे प्लेयर्स को मैंने बोला तो गाइस मैं 1v4 में ऐसे लोग खाता हूँ डेली डेली, 1v6 में मैं ऐसे लोग खा लेता हूँ। ये लोग मेरे को लगता है मेरे मेरे लीक से बाहर है भाई, ये बिल्कुल भाई वो नेट फेंक रहा है वो भाई, बच के भाई डरा दिया उसने भाई, वो सीधा वहां से नेट फेंकता था। लो भाई दो देखा भाई, स्क्वाड वाइप आउट भी हो गया भाई आधे ज्यादा, और फाइनल बंदे को जाता हूँ भाई मैं वन टैप मारने, और मैं जाने वाला था उसको वन टैप मारने और उसको किसी और ने मार दिया। लेट्स गो गाइस, जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो चीज आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है, वो डिटर्जेंट आ चुका है, घड़ी डिटर्जेंट जैसा होता है ना वो। मेरे बोप में बहुत घटिया जोक मारता हूँ, मेरा दिमाग वैसे भी चल नहीं रहा है। एंड इसी के साथ तुम्हारे भाई के हो चुके 50 स्टार। आ, मुझे पता है अभी तुम लोग को नहीं दिख रहा है मेरा क्या बोलते उसको हीरो की दिख रहा है, बट वेट करो। ओके स्टार्ट नहीं करना भाई। इसी के साथ तुम्हारे भाई का कंप्लीट होता है ओके। हमारे को एक और मैच खेलना पड़ेगा आई गेस एक और मैच। ओके भाई साहब, यार कसम से लिटरली हमारे को पता है कितना टाइम वेट करना पड़ता है कि बस भाई मैच तो कम से कम स्टार्ट हो जाए, मैच होता ही नहीं भाई इतना टाइम, लाइक 7-8 मिनट लग जाते हैं लिटरली बैठे रहो एक जगह पे मैच स्टार्ट होने के लिए। अब हो चुका है मैच स्टार्ट, ए भगवान ए भगवान ए भगवान, कोई नूबड़े बंदे आए होंगे जिनको हम इजीली हरा पाए, भगवान कौन है। ठीक ठाक ही है बट हमारे लेवल के बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इनको इजीली मारने वाला हूँ। लेट्स गो ऊपर चलते हैं इन 3-2-1 फर्स्ट डाउन। अच्छा ये वही बंदे जिनको अभी अभी उन्हें मारा, मैं तो भूल ही गया, हाँ ये वही बंदे गए जिनको अभी अभी उन्हें लपेटा है। रुक जाओ इनको फिर से लपेटना पड़ेगा यार, बेचारों के साथ गलत हो रहा है इनके। ओ भाई ये बंदा डरा दिया भाई, इस बंदे ने मेरे को नहीं इसको डरा दिया है। ओके मैं मरने वाला था, मेरे को पता चल गया था मैं भाई, मेरा भाई हाँ दिल तक अंदा बाहर ले आया भाई बंदा। लेट्स गो गाइस दो बंदे बचे हैं एंड मेरे को मेरे और देखो भाई ये बंदा नेट तक फेंक रहा है भाई, इनके लिए तो मत फेंक यार नेट भाई, इनके लिए तो मत फेंक यार। वो बेचारा रो रहे भाई, वो बंदे रो रहे हो गए यार कसम से। नहीं 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 मरना मत भाई। ये बंदा भाई कटारा चला रहा है, डाई डाई डाई। ओके हमारा एक बंदा बचा 1v1 की सिचुएशन, और ओपी बोलते लेट्स गो भाई कटाना यूज के साथ। भाई आगे वाले बंदों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है सीधी सी बात, आगे वाले बंदों के साथ गलत हो रहा है, जो भी आगे वाली टीम है भाई अगर तुम वीडियो देख रहे हो मुझे माफ करो, गलती हो गई मुझसे। वैसे तो मेरी वीडियो नहीं देखता कोई भी, बट फिर भी अगर तुम देख रहे हो तो मुझे माफ कर दो, और को इतनी बुरी तरह से पिटना पड़ रहा है हमारे हाथों, तुम्हारी गलती है तुम इतने हुआ। मजाक कर रहा हूँ। और मेरी यार पता क्या, दिन को मेरी स्ट्रीक ने अच्छी खासी चल पड़ी थी, बट यार साला मतलब शाम के टाइम तो मेरी स्ट्रीम स्ट्रीम बोल रहा हूँ यार, स्ट्रीक अच्छी खासी चल पड़ी थी, बट यार अभी ना पूरी मेरी स्ट्रीक खराब सी हो गई है। उस टाइम तो भाई बिल्कुल तगड़ी चल रही थी भाई मेरी स्ट्रीक, अब बिल्कुल बेकार बेकार सी चलते जा रही है, अच्छी चल नहीं रही उतनी। रुक जाओ कोई ऊपर से दिख रहा है क्या मेरे को? ओके राइट में एक बंदा है, ठीक है, और वो देखो भाई, अरे भाई यार ये भी सही है, मतलब फायदा है क्या वो वन टैप मारने का, 133 का वन टैप पड़ता है। ये क्या गलत बात है भाई, इसको रिवाइव दो कोई बेचारे को। ओके मैं खुद भी नीचे गिर गया, मेरे को नीचे नहीं आना था। वेट, अरे रे भाई मैं ऊपर, और मेरे कपड़े बताओ गाइस, मेरे कपड़े के बताओ, मेरा कहीं जानबूझ के ये वाले कपड़े पहन के बैठा था, बिकॉज ये वाले कपड़े मेरे को मस्त। आ यार राइट में मैं भूल ही गया इसके बारे में तो यार, हट। अरे भाई हम हार ना जाए, ओके आराम से भाई। ये क्या मुंह, पूरा मुंह दिखा रहा है भाई बंदा पहले अपना, कि देख मेरा मुंह देख पहले। ओके एक डाउन किया इसने, ये डाउन कर पाएगा इसको, जो वेट करो। हेड 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 हेड, पर ज्यादा हेड नहीं मार पाया। ओके रिश्ते दो बंदे ले गया क्लैशर भाई, नाइस
2v2 का सिचुएशन, पीछे एक बंदा, पीछे बंदा एक, बहुत ही राइट में, राइट में, राइट में, राइट में, लेफ्ट, मतलब पीछे लेफ्ट, राइट में, ओके राइट में गया, नहीं यार ओके, काफी अच्छा खेले वैसे हमारी टीममेट, काफी अच्छा खेले, बट भाई मैं सबसे घटिया खेल रहा हूँ अपनी टीम में। पर यार मैंने ना भाई उस बंदे को पहले वन टैप मार दिया था, और ये लगता वन टैप के नाम पे वन टैप कभी लगता नहीं है, वही मेरे को सबसे सबसे गंदी चीज लगती है भाई आज के टाइम पे फ्री फायर के अंदर ना मेरे को, कि अगर तुम किसी को वन टैप मार रहे हो तो उसको वन टैप लगेगा नहीं, पाया जाए क्या वन टैप को, वन टैप का नाम वन टैप है, डेजर्ट ईगल को लोग इसलिए चलाते हैं बिकॉज इसका एक ही गोली के वन टैप, हेड पे एक गोली से ही बंदा मर जाता है, एंड अब वो भी नहीं होता भाई, 133 130 90 में तो 90 के हेड भी बचे भाई एक दो बार, 90 के हेड भाई सोचो, बहुत गलत बात है यार, अगर ना को सबसे बिल्कुल ठीक कर देना चाहिए टाइम पे हेड पे, तो भाई कोई भी वन टैप वाली गन का हेड लगे ना तो सीधा बंदा मरना चाहिए, जैसे कि ACAT SVD और ड्रैगन ऑफ, जो भी SVD ड्रैगन ऑफ सेमी थे मैं भूल गया था, डाउन ऐसे बजने चाहिए भाई हेड। ओए ये क्या भाई बंदे, ओके एक और बंदा डाउन, नहीं नहीं भाई वो सबको रिवाइव दे देगा, नहीं नहीं यार मेरे इतने गंदे गंदे वन टैप मारे थे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो दोनों को रिवाइव दे रहा है, नहीं यार भाई ये क्या गलत सीन है यार, और मेरे टीममेट देख लो भाई उसको रिवाइव होने दे रहे हैं क्या, नहीं 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 यार भाई इतना दुख हो रहा है यार मेरे को, मैंने कसम से भाई मैंने कहा इतना गंदे वाले वन टैप मारे थे ना दोनों को, और जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है भाई, वो देखो, और ये साले एक तो वुकोंग बने रहते सारे के सारे बंदे, क्या हमारा टीममेट मार पाएगा, नहीं भाई क्या खेल रहे हो यार भाई, कसम से मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई यार, एक को वन टैप, दूसरे को वन टैप, वो तीसरे को भी वन टैप मार चुका, मैं मजाक नहीं कर रहा सच में, मैं मार देता, पर अगर उसने वो नूब ने ना वो लगा दिया था, क्या बोलते उसको वुकोंग, ये सच में वुकोंग करेक्टर ना मेरे को इतना घटिया लगता है ना, साले इनने गरीना वाले नूबड़ों ने सालों ने ये तो ठीक कर दिया, क्या बोलते उसको, मेरे को उसमें गाली देनी है बट मैं गाली दे नहीं पा रहा भाई, ये इनने कर दिया स्काइलर को तो ठीक कर दिया कि स्काइलर से ब्लू वॉल नहीं फटती और हील नहीं होता, तो भाई कम से कम इसको तो करो, क्रोनो को हटाओ और इसको वुकोंग को ठीक करो, मतलब मेरे हिसाब से भाई सारे एक्टिव करेक्टर्स को हटा दो भाई, ओके मेरे को बहुत कुछ बोलना है, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, इस टाइप की ना एक वीडियो बनाने वाला हूँ भाई सेकंड चैनल पे, जाकर उसको सब्सक्राइब कर देना, मैं उसमें फ्री फायर की झंड करने वाला हूँ भाई अच्छे से, ठीक है, तो वो प्लीज़ वाली वीडियो जाकर दूर से देखना, मैं सारा रेज में इकट्ठा करके वहीं देखे एक डाउन घर के अंदर से मारा मेरे को यार, नहीं भाई अरे इस तरह हम हार जाएंगे भाई, ये क्या खेल रहे, मेरे टीममेट सारे डाउन पे डाउन हो जा रहे यार, और मेरे सबसे ज्यादा कम किल मेरी है, मेरे को पता नहीं कैसे मेरे सबसे ज्यादा किल कम है, मार भी सबसे ज्यादा मैं ही रहा हूं भाई, मेरा डाउन तक क्लियर नहीं हो रहा भाई, ऐसा ना होना चाहिए भाई, प्लीज मेरे डाउन को तो कम से कम क्लियर होने दो भाई, भाई मेरा डाउन तक क्लियर नहीं हो रहा, और व्हाट ये कैसे हो रहा है भाई, भाई ये लो अच्छे से खेलो यार, अच्छे से खेलो, मैं इतने डाउन कर रहा हूँ भाई बंदों को, पता नहीं साला मेरे किल कैसे नहीं आ रहे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या हो रहा है भाई, ग्लोबल से ऊपर चढ़ा देना भाई, ये हो क्या रहा है भाई, उस वाले राउंड में गाइस तुम्हारे भाई ने दो बंदों को डाउन किया उसके भी किल नहीं मिले, इस वाले राउंड में एक बंदे को डाउन किया उसका भी किल नहीं मिला, उससे पहले भी डाउन किए उसके भी किल नहीं, मतलब भाई वो क्या रहा है ये, छोड़ो छोड़ो भाई कोई बात नहीं, अब इस बार हम वही सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे, ये हो क्या रहा है, ओ भाई मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर पैर में दर्द कर रहा है भाई, सच में मजाक नहीं कर रहा, जल्दी 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 ऊपर मैं चढ़ चुका हूँ, कोई लेफ्ट में नहीं जा रहा, ले जा रहा है, जा रहा है डाउन 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 लेफ्ट वाला डाउन, ये भाई मेरे को ना ये चीज़ करनी सच में बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सॉरी भाई मेरे को करना पड़ेगा, ग्लूवल तोड़ो जल्दी जल्दी ग्लूवल तोड़ो, ओके नाइस भाई उसने वहां से वो फेंका, और क्या गलत वाला वो फेंका उसने, जो भी फेंका
भाई क्लियर दोनों को, दोनों नाइस 170 वन डाउन, लेट्स गो पी बोलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो, यस। मैं यही तो चाहता हूँ, जीत, विजय, विजय चाहिए मुझे, विजय, विजय प्राप्ति करो जल्दी जल्दी से भाई, हमारे को बस जीतना है और पास से करना है भाई ये गेम, सच में पास से करो भाई इस गेम को जल्दी जल्दी, शिट्टी पास से करो भाई। ओके सिर्फ दो राउंड और जीतते हैं भाई, यार मेरे को तो अभी भी मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा भाई मेरे इतने कम किल कैसे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, मेरे को मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा, मैंने कितने डाउन किए और कितने मारे यार, मेरे को लग रहा है कि मेरे किल होने चाहिए ज्यादा, पर होया नहीं भाई, मतलब होता है ना कि तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे किल ज्यादा होने चाहिए बट फिर भी तुम्हारे किल ज्यादा नहीं, बिकॉज पता नहीं क्यों तुम्हारे किल ज्यादा नहीं है। 150 डाउन, 150 प्लीज भाई क्लियर हो जा, नहीं होगा यार, यही में कुछ गंदा लगता है यार, साले मेरे टीममेट तो मेरे को कभी जिंदगी में इतने जल्दी रिवाइव नहीं देते, ये दूसरे लोगों के टीममेट ऐसे इतने फास्ट कैसे रिवाइव दे देते भाई, मेरे टीममेट ने मेरे को जिंदगी में इतनी जल्दी रिवाइव नहीं दिया कि भाई मैं डाउन हुआ और सीधा एकदम से बंदा मेरे मुंह के सामने खड़ा हुआ, दोस्त मैं तेरी जान पहचाने आ चुका हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ भाई मेरे साथ। लेट्स गो, एक बंदा बचा है एंड ओपी छोपी बोलते हैं, और मेरे को फिर भी किल नहीं मिला, ये भी सही है भाई, नाइस सही, नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, अब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइस, तीन तीन की सिचुएशन हो चुकी है, एडब्ल्यू लेते, ये ले लेते हैं एडब्ल्यू की, और एडब्ल्यू लेते हो ताकि हमारे पास एमो एक्स्ट्रा आ जाए, ये ले लेते हैं इसको फुल कर लेते हैं एंड एक मशरूम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, चलो हो गया गाइस, अब देखते हैं क्या होने वाला है, यहाँ पे बस कुछ तैयार है, सब कुछ सामग्री तैयार है, एक के बाद एक डाउन करने के लिए तैयार हूँ, हेडशॉट मारने के लिए तैयार हूँ, एडब्ल्यू की हेड लगने वाले देखना अभी तुम, खतरनाक वाले। ओके नहीं लगा, ठीक है भाई, नहीं अरे यार इस तरह मत करो भाई, डाउन मत तो जाओ स्टार्टिंग में यार, उनको उनका देखो पता कि अगर तुम्हारा टीममेट पहले ही डाउन हो जाए ना तो भाई आगे वाले बंदों का वो बूस्ट हो जाता है भाई, उनको लगता है कि अब हम जीतने वाले हैं, बिकॉज एक बंदा वो खा गया पहले, और वही नहीं बूस्ट अगर बंदे को मिल जाए ना, वहाँ पे एक बंदा है, अगर बूस्ट बंदे को मिल जाए ना भाई, वो बंदा बहुत गंदा खेलता है भाई, और ये बूस्ट नहीं देना भाई बंदे को, एक बंदा हमारी टीममेट ने डाउन किया है, 140 मैंने एक को दिया है, पर मेरे को पता नहीं कहाँ है बंदा, एक बंदा तो वहां पे दिख रहा है मेरे को यहाँ से, हाँ वहां पे बोल रहा था, वो देखो चिको भाग रहे, वो 150 उसको, ओके एक डाउन, नाइस, पीछे से तो कोई आ नहीं रहा ना, 150 डाउन, ओ भाई क्या हेड बजा, एडब्ल्यूएम का हेडशॉट, लेट्स गो, मैं मेरे हाथ में लग गई यार, और हम जीत तो गए कम से कम, लेट्स गो, अब आने वाला है मजा, एंड यहां पर इसी के साथ खतरनाक तरह से, बहुत ही मजेदार तरह से, ओपी तरह से विन स्टिक जाए भाड़ में हम पहुंच चुके हैं, मॉन्स्टर द लेजेंडरी मॉन्स्टर पे पहुंच चुके हैं गाइस हम, लेट्स गो, इस तरह से मैं वीडियो कर रहा हूं एंड बाय।